लिखते हुए मेरे हाथ कांप रहे थे, खुदा गवाह है। और इवन जब मैं मेरे पास तुम हो का आखिरी सीन लिख रहा था, आई वॉज वीपिंग इन टीयर्स। यू आर वीपिंग इन टीयर्स। आई हेट मैन वीपिंग। आई टेल यू, हम तो मर जाएंगे फिर सब। आई स्वेयर ये इसी तरह जान लेगा जिस तरह इसने मेरी जान ली। आखिरी एपिसोड, आप देखते तो जाइए क्या तमाशा होने वाला है। मेरे पास तुम हो जो ड्रामा चल रहा है आपका लिखा हुआ, इट्स गोइंग वेरी वेल, तो उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन थी? आपने किसको देख के लिखा और आपके हाथ क्यों काम पे लिखते हो? इसलिए इट इज वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ द पीपल कि बहुत सारे मर्दों की सच्ची कहानी है। मैंने देखा शादीशुदा औरत जब चीट करती है, बिट्रे करती है, तो वो आंखें नहीं झुकाती, वो डट कर बात करती है, क्योंकि उसे भरोसा होता है किसी दूसरे मर्द का। गैर शादीशुदा लड़की जब चीट करती है तो आंखें झुका लेती है। शादीशुदा मर्द जब चीट करता है तो नजरें झुका लेता है। गैर शादीशुदा मर्द जब चीट करता है तो डट कर बात करता है। मेरा एक्सपीरियंस जो है वो जितनी भी खातिन को, मैं हैरान होता हूं, खातिन को मुमी तौर पर गुस्सा नहीं करना चाहिए मेरे पास तुम हो पर, जितना मिल मिला के इन्होंने मर्दों को जलील किया है। और दूसरी बात, मैं तो आपकी हिमायत में बात कर रहा हूं, मैं हर औरत को औरत नहीं कहता। आपको बुरा लगे, आपको अच्छा लगे, मेरे लिए औरत के पास एक ही खूबसूरती है और वो उसकी हया है, उसकी वफा है। वो नहीं है तो मेरी तरफ से सात सलाम, मैं उनको नॉन वीमेन कहता हूं। और इस पर मेरे खिलाफ पर्चा करा दीजिए, मीटू का कोई केस करा दीजिए, आई डोंट केयर, बट मैं हर औरत को औरत नहीं कह पाऊंगा। दिस इज नॉट ट्रू विद मी एट ऑल। तो मैंने ये चीजें देखी और मैंने मर्दों की जो हालत देखी, एक मर्द जो अपनी अपना सारा वकार, अपनी सारी इज्जत, सारी आबरू, सारा जो सरमाया है उसके पास, वो अपनी बीवी की मुट्ठी में रख के उसके लिए काम करने निकल जाता है। और मैं लानत भेजता हूं ऐसी औरतों के ऊपर जो उसके पीछे उस मुट्ठी को खोल देती है। दैट वॉज द कॉन्सेप्ट एंड आई एम फाइटिंग फॉर द गुड वीमेन, क्योंकि वो उनको भी उसी कैटेगरी में जब लिखा जाएगा तो ये उनकी तौहीन होती है। खुदा की कसम, मुझसे ज्यादा बड़ा फेमिनिस्ट पाकिस्तान में कोई नहीं है, बट आई गो फॉर द राइट गुड वूमेन। लॉयल्टी औरत का कर्तव्य है, उस पर चैलेंज मत कीजिए। या किसी ने बात करनी है तो खुदा के वास्ते कुरान की वायत पढ़ लीजिए कि और मर्दों को औरतों पर फजीलत दी गई है। मैं औरत को बराबरी के हकूक देता हूं, पर जरा नीचे नीचे। मुझे किसी ने अभी रिसेंटली पूछा, कोई छह महीने पहले कोई फेमिनिस्ट ग्रुप था, हाँ, बराबरी के बारे में। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा आपने ये खबर पढ़ी है अक्सर कि पांच मर्दों ने मिलकर एक लड़की अगवा कर ली? कहते पढ़ी। मैंने कभी ये खबर पढ़ी है कि पांच लड़कियों ने मिलकर एक मर्द अगवा कर लिया? तो ये करो ना, जब बराबरी करनी है तो करके दिखाओ। अच्छा, अगवा कर ले किसी को? कर ले, कर ले, मुझे फिर मुझे पता चलेगा ये बराबरी कर रही है। आए कोई कोई बस लूटे, कोई 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 मर्द ले जाए उठा के, गैंग रेप करें उसके साथ। हाँ, मुझे पता चले बराबरी होती क्या है भाई, कौन सी बराबरी मांग रही हो? मैं तो इस बात पे परेशान हो गया हुआ हूं। आपको, आपका प्रॉब्लम यह है कि हम मर्दों ने इतनी चालाकी से आपके हुकूक को सलब किया है कि आपको पता ही नहीं चला आपके राइट्स हैं क्या। तो आप बजाय इसके कि अपने राइट्स का पता चलाएं, आप मर्दों के हुकूक में से हिस्सा मांग रही हैं, वो नहीं मिलेगा आपको। आप शॉर्ट पहनेगी, ये परमिशन आपको कभी नहीं दी जाएगी, सब कॉन्टिनेंट में कभी नहीं दी जाएगी। और वो चंद एक लड़कियां हैं, चंद एक ग्रुप है जो ये नारा लगाएगा मेरे खिलाफ, ट्वीट कर देगा कोई 20-25। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप मर्द की गैरत की फितरत को नहीं बदल सकती, दिस इज इम्पॉसिबल। माशरा एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाएगा, कोई कोलैप्स। तो बेहयाई तो औरत को डिफाइन ही नहीं करती। यू बिलोंग टू नो बॉडी देन।